मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री रणछोड़ त्रिवेदी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसानों की उपस्थिति में सैकड़ों किसानों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को किसानों की खड़ी फसलों को खोड़ा रोज द्वारा डस्ट किए जाने के विरोध में तहसील कार्यालय मेहंदीपुर में धरना दिया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गजराय सिंह पवार, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अरुण बुरण ने भी धरना में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि घोड़ा रोज की समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाए। किस विषय को लेकर किया गया आज? ये हमारी किसानों की ज्वलंत समस्या है, जो हमारी फसलें चौपट हो रही है, जो हमारी जाने जा रही है, उसको लेकर ये धरना था। जो रोजड़ा, जिसको हम मालवी भाषा में रोजड़ा बोलते हैं, घोड़ा रोज है, उस घोड़ा रोज को लेके हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया था। शासन का ऐसा मानना है कि वो नील गाय की श्रेणी में है। गाय शब्द जब आ जाता है तो वो पूजनीय होती है, वंदनीय होती है हमारे लिए। पर हमारा ये तर्क है उसके पीछे कि गाय साल में एक बार जनती है, ये घोड़ा रोज रोजड़ा साल में दो बार जनते हैं। ये पाला खाती है पत्ती, गाय पाला पत्ती नहीं खाती है, घास खाती है, रचका खाती है, बरसी खाती है, खल कपाशा खाती है, और ये रोजड़े हैं ये पत्ती खाते हैं। गाय जो हमारी गाय गौ माता है वो गोबर उसका जो मलमूत्र होता है, जो गोबर होता है, उसको हम सम्मान से उसको उठाते हैं, उसका खेतों के लिए उसका खाद का उपयोग करते हैं, कंडा जलाते हैं। और ये जो रोजड़ा है ये बकरे की टाइप की मींगणी करता है, इसलिए हम इसको उस श्रेणी में नहीं लेते हैं। ये रोजड़ा है और ये हाइब्रिड बकरा है।